सबको जय मसीह की। अपने बाजू वाले से अब एक बहुत अच्छी स्माइल देकर ये बात कहना, ज्ञान से अधिक जरूरी है तैयार रहना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, दे नो होल बाइबल, सब पता है उनको, यीशु कब आएगा, एंटी क्राइस्ट, झूठा पशु, 666 एंटी क्राइस्ट, ये वो, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है वो तैयार नहीं है। आपको पता है ये बात? बोलो जय मसीह की। पौलुस कहता है एक जगह पर, इस व्यवस्था को सुनने वाले नहीं लेकिन इसमें चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। डू यू नो, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? तैयार रहना। तैयार कैसे होते हैं? हां जी, सिमरन की मम्मी ने सिमरन पे चिल्लाया, सिमरन ने कुछ नहीं किया, सिमरन ने कोई शब्द नहीं कहा, उन्हें वो चुप रही, इसे कहते हैं तैयारी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आपके सामने एक कस्टमर आया, एक झूठ बोल के 250 रुपया आप ज्यादा कमा सकते थे, पर आपने कहा नहीं चाहिए, इट्स कॉल्ड रेडीनेस, इसे कहते हैं तैयारी। एक लड़की टाइट कपड़े पहन के अपने बॉडी की नुमाइश कर रही थी, लेकिन आप में से एक भाई वहां पर खड़ा था और आपने कहा मेरा कोई काम नहीं है, आप उस समय 2 मिनट के लिए अंधे हो गए, इसे कहते हैं तैयारी। आज प्रॉब्लम यह है कि सब लोग चमत्कारों के पीछे हैं। यीशु मसीह में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह में आओ छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा। आपको पता है बहुत सारी जगहों पे यीशु का नाम क्या है? बोलो तांत्रिक। डू यू नो, कितने लोग ये बात जानते हैं? अचो जय मसीह। कितने लोग ये बात जानते हैं? बहुत सारे लोगों ने यीशु को कैसे ग्रहण किया है? पिता, उसका पुत्र, तांत्रिक और पवित्र आत्मा। इसीलिए यीशु ने पतरस से एक विषय में बात की, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। समझो, आप आज के दिन अगर भाई दिनेश से प्रभु पूछे, दिनेश लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, अभी उल्लासनगर के लोग तो एलिया और एलाइजा इनको तो जानते नहीं है, तो दिनेश भाई क्या कहेंगे आप? कोई तुझे तांत्रिक कहता है, कोई तुझे बाबा कहता है, कोई तुझे महाराज कहता है, तू मुझे क्या कहता है? यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तू जीवते ईश्वर का बेटा है। मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग देखे, धोखे में चलते हैं वो। बोलो धोखे में। बताओ किस प्रकार का धोखा? जब इनकी लाइफ स्मूथ चलती है ना, ये कभी प्रेयर नहीं करते, ये कभी वचन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर समस्या आई ना, ये यीशु के पीछे ऐसे भागते हैं। जानते हो क्यों? इनकी मेंटेलिटी जानते हैं क्या है? यीशु मसीह जो है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप हंसेंगे सब, बोलो संकट मोचन। डू यू नो संकट मोचन? संकट मोचन का मतलब होता है जो हमेशा संकटों से बचाता है। अगर आपको मैं कहता हूं यीशु मसीह 2020 में आने वाला है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना अभी से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक गलत जीवन जी रहे हैं। अरे मेरी दीदी यहां पर बैठी हुई है, मैं उसको बोलता हूं कंचन 2020 में यीशु मसीह आ रहा है। बाप रे, सिर्फ 2 साल है मेरे पास, तीसरे साल यीशु मसीह आ जाएगा। ठीक है, मम्मी माफ कर, पापा माफ कर, दीपा को फोन करके माफ कर, सबको माफ कर, मैं अभी 2 साल पाप नहीं करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कलीसिया इस तरह तैयार होती है, लेकिन सच्चे होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं 20 क्या 50 में आए, आई एम रेडी, मैं पाप नहीं करूंगा चाहे वो कभी भी आए। कोई भी डर से नहीं, हर व्यक्ति प्रेम से तैयार हो, बाइबल कहती है प्रेम से। मैं ऐसे ही रिसेंटली एक प्रीचर को सुन रहा था यूट्यूब पे, वो प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहा था, यीशु 2020 में आ जाएगा तब क्या हालत होगी तुम्हारी, और लोग बेचारे अल्टर पे आ रहे थे, 2 मिनट रो रहे थे और बोल रहे थे हाँ आपकी बात तो सही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखो, आप इस बात को जानकर नहीं कि वो इस समय आएगा तब तैयार होना है, आपको हर समय चाहे वो कभी भी आए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैंने आपको थोड़ी आपको बात बताई कि तैयारी क्या है, क्या है तैयारी, 3-4 मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, राइट? इसको कहते हैं तैयारी।